हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए आपके लिए बहुत ही खास उपाय है, एक नहीं बहुत सारे दे दूंगी। ये आपने हनुमान जयंती के दिन भी कर सकते हैं, या फिर हनुमान जयंती ना रहे तभी भी ये हनुमान के उपाय अपने कर सकते हैं। अपने करना क्या है, जैसे आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, नहीं सुन रहा है, बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़ चुका है, तो दुश्मन को शांत करने के लिए सबसे सरल उपाय मंगलवार के दिन जो है अपने हनुमान मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू चढ़ा लेना है। सबसे पहले ये बात है। दूसरी उपाय जो है, आपके घर पे अगर आपको फ्लाई लगाना है, ठीक है, ऑरेंज कलर का फ्लैग लगाना है, ऑरेंज कलर का फ्लैग आपको लगाना है, तो ऑरेंज कलर का फ्लैग आपने किस दिशा में लगाना है वो आज बता देते हैं। आपने ऑरेंज कलर का फ्लैग क्यों लगाना है और किस दिशा में लगाना है, तो ऑरेंज कलर का फ्लैग आपके लिए केतु स्ट्रांग होता है। फ्लैग लगाने से आपका केतु स्ट्रांग हो जाता है, आपके घर पे ज्ञान और विद्या का वास होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बच्चे अगर स्टडी में नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ज्यादा करके उनका ध्यान जो है काफी ज्यादा टीवी या फिर मोबाइल में ज्यादा करके चला जा रहा है, या आपके घर पे ज्यादा करके मोबाइल की रेंज ज्यादा बढ़ चुकी, मतलब मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड लोग हो चुके, तो उनको कम करने के लिए ऑरेंज कलर का फ्लैग लगाना काफी ज्यादा जरूरतमंद हो जाता है। फ्लैग को लगाने से काफी चीजें जो है आपकी बेटर हो जाती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीजें भी आज आपको मिल सकती है। तो आपने फ्लैग किस लिए लगाना है, तो फ्लैग आपने लगाना है आपके घर पे जो भी चीजें जो आपकी बात सुने, इंटरनेट या फिर कोई मोबाइल का उपयोग जो है थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी सी आस्था में या फिर न्याय या फिर नॉलेज या फिर ज्ञान या फिर स्टडी जो भी बच्चे कर रहे हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जाए। आपकी तरह आपके घर पे थोड़ी सी बातें जो भी हो, जो भी चर्चित बातें जो है कुछ नॉलेज की तरह हो, एंड आपके लोगों की तरफ मान सम्मान आपका प्रतिष्ठा बढ़े इसके लिए भी फ्लैग लगाए। तो ऑरेंज कलर का फ्लैग आपने लगाना है साउथ में, साउथ में ऑरेंज कलर का फ्लैग लगाना है, बाकी और कोई भी दिशा में लगाना है। अगर साउथ में नहीं लगा पा रहे तो ईस्ट में, ईस्ट कोने में आप फ्लैग लगा सकते हैं। ये लगाने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये आपने लगाना है मंगलवार के दिन ही, बाकी कोई जगह पे नहीं लगाना है, 12 से पहले आपने लगा देना है। तीसरा उपाय, जैसे कि हनुमान जयंती, हनुमान जयंती के दिन आपने लाल कलर का हाल, मतलब लाल कलर के गुलाब का हाल, हार का हार या फिर फूल आपने जो हनुमान के ऊपर चढ़ा देने हैं। साथ ही साथ आपने जो है हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ लेने हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी या फिर जो भी आप शादी की बातों से भी परेशान होगे, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए आपके लिए दिक्कतें आ रही है, इन चीजों के लिए भी, या फिर आपके लाइफ में लव पार्टनर नहीं है, या फिर आप कुछ भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हर तरफ से आपके ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी राह खुल नहीं पा रहे, तो इनके लिए जो आपके लाइफ में प्यार आए, आपके लाइफ में सारी चीजें प्यार से हो, सारी चीजें आपकी बहुत ही स्मूथली चले, बहुत ही सॉफ्टली चले, इसके लिए आपने लाल कलर गुलाब के जो है अपने फूल का जो हार जो है हनुमान जी के ऊपर चढ़ाना है। अपनी विश मांगनी, अपनी मन्नत मांगनी, आपके ड्रीम जो भी है ये मांगने के बाद आपने जो है हनुमान जी के ऊपर हाथ जोड़ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जो है आपने ये चीज जो है खत्म करके अपनी मनोकामना मांग के खत्म कर देनी है। ये चीजें आपने करने से फौरन ही तुरंत ही आपको 21 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में आपको लाभ मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें आपने जरूर कर लेनी है। साथ ही साथ अगर आप घर पे भूत बाधा है या फिर प्रेत ऐसी चीजें दिखाई देती है, कहीं ना कहीं स्पिरिट एनर्जी दिखाई देती है, तो आपने 3 महीने लगातार सुंदरकांड का पाठ घर पे रख लेना है। सुंदरकांड का पाठ नहीं करना है, सुंदरकांड का पाठ आपने रख लेना है। सुंदरकांड का पाठ आपने शनिवार के दिन रख लेना है। ये चीजें आपने लगातार 3 महीने करने से आपके घर पे जो भी बुरी बुरी बलाएं हैं या फिर कुछ ब्लैक मैजिक जो भी चीजें हैं ये दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आप डेली अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप डेली जो है 3 बार सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे सोने के टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। अगर बुरे सपने भी आते तो रात के टाइम पे सो के पढ़िए कि सो जाइएगा, बुरे सपने आना भी आपकी तरफ बंद हो जाएंगे, या फिर बच्चों का आ रहा है या फिर आपको आ रहा है, ये चीजें आपने जरूर कर लीजिएगा, आपको इसके रिजल्ट काफी अच्छे तरीके से आएंगे। ये हनुमान के छोटे छोटे से जो टिप्स है आपको हर चीजों में काम आएंगे, हर चीजों में लाभ इसका हो जाता है। ये चीजें आपने जरूर कीजिएगा। आप सभी को हनुमान जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसे मिलती रहूंगी, तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।